नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से आ रही है। फरीदपुर बरेली जा रहे मुख्य सचिव नवदीप सहगल ने किया हरेला गांव का औचक निरीक्षण। गंदगी देख एडीओ पंचायत की लगाई फटकार। लखनऊ से बरेली जा रहे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के ग्राम हरेला में औचक निरीक्षण किया, जहां श्री सहगल का प्रोटोकॉल प्रशासन को मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई। और आनन फानन में प्रशासन के कर्मचारी ग्राम हरेला पहुंचे, जहां श्री सहगल ने गांव की गलियों और नालियों की गंदगी को देख एडीओ पंचायत की कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरेला में मौजूद ग्रामीणों का स्वास्थ्य टीम द्वारा परीक्षण कराया। परीक्षण में ग्रामीणों को संक्रमित रोगों की जानकारी दी गई, साथ ही मलेरिया रोग से बचाव के लिए प्रमुख सचिव द्वारा ग्रामीणों को मच्छरदानी वितरण की गई। मौके पर मौजूद सीडीओ बरेली चंद्रमोहन गर्ग द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में मच्छरदानी बांटने का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य को श्री सहगल द्वारा करने हेतु रोस्टर मांगा गया था, जिस रोस्टर को संबंधित विभाग नहीं दिखा सका। वह श्री सहगल के साथ साथ सीडीओ बरेली चंद्रमोहन गर्ग, सीएमओ विनीत शुक्ला, एसडीएम फरीदपुर विशु राजा, फरीदपुर सीएससी प्रभारी बासित अली आदि ने उपस्थित रहकर सफल बनाया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के कुछ ही देर बाद अचानक हुई बारिश ने कई अन्य कर्मचारियों की फटकार लगने से बच गई। श्री सहगल ने उपस्थित कर्मचारियों से कहा है कि 2 दिन बाद मैं ग्राम हरेला फिर आऊंगा। पुनः 2 दिन बाद आने की बात सुनकर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेश है संवाददाता अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट।